सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तरसेम सिंह मठारू दे नाल तुसी देख रहे हो टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल दियां अज दोपहर दियां ताज़ा तरीन महत्वपूर्ण खबरां। दोस्तों इन्हां खबरां नूं शुरू करन तों पहले एक वारी नज़र मारदे हां चुणवीआं खबरां ते। पहली चुणवी खबर है कि हुण रुकेगी बिजली चोरी, अक्तूबर दे पहले हफ्ते लग जाणगे स्मार्ट मीटर दुकानां तों होवेगी शुरुआत। पंजाब दे दो साबका मंत्री खिलाफ जारी होया लुकआउट नोटिस, तीन सेवा मुक्त IAS अधिकारी भी फसे। हुण 10 माले तो उपर दे घरां लई सोलर प्लांट लाउणा लाजमी, विभाग वल्लों लिया गया फैसला। वड्डी खबर, निजी यूनिवर्सिटी मामले च SIT दा गठन, DGP ने लोकां नूं कीती खास अपील। कैनेडा जाण वालिआं लई चंगी खबर, हुण ऑनलाइन देख सकोगे वीजा एप्लीकेशन दा स्टेटस। बहाल होवेगी पुरानी पेंशन, CM मान ने दित्ता वड्डा बयान। पराली साड़न नूं लै के सरकार सख्त, किसानी करन वाले वीर जरूर देखण। कैप्टन की पार्टी का अज भाजपा में होगा रलेवां, जानो की है प्रोग्राम। पंजाब मानसून की जल्द ही होगी विदायगी, अगले हफ्ते हुमस भरी गर्मी तो मिलेगा छुटकारा। विद्यार्थियों का MMS लीक करने वाले मिलेगी सख्त सज़ा, अरविंद केजरीवाल। फ्लू अलर्ट, बच्चों में बढ़ रहा है फ्लू का प्रकोप, सरकार वालों LKG तो 8वीं तक दियां क्लासां बंद। तो दोस्तों ये अपन इस वेले दियां चुणवीआं खबरां, हुण गलबात करदे हां जिन्हां खबरां दी विस्तार नाल। उस तो पहले जिहड़े दोस्त मित्र अपने चैनल ते नवे आए ने चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लैण, ते नाल ही दोस्तों जे साडे द्वारा दित्ती गई जानकारी तुहानूं चंगी लगे तां अपनी इस जानकारी नूं वध तों वध लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद होवेगा। गल करदे हां जी पहली वड्डी खबर दी कि हुण रुकेगी बिजली चोरी, अक्तूबर दे पहले हफ्ते लग जाणगे स्मार्ट मीटर दुकानां तों होवेगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बिजली चोरी नूं रोकण लई अक्तूबर दे पहले हफ्ते 1 लाख सिंगल फेज स्मार्ट मीटर ME लैब च पहुँच जाणगे, जिन्हां दे आउंदे ही इंस्टाल होना शुरू हो जाएगा। पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमिशन ने सारे खपतकारां नूं स्मार्ट मीटर लगाउण दे हुक्म दित्ते ने। पावरकॉम का मुख्य उद्देश हैवी लोड की वरतों करने वाले दुकानदारां अते खपतकारां ते होवेगा। इहदी शुरुआत दुकानां तों कीती जाएगी, जिहड़े खपतकार पोस्टपेड मीटर लगवाउणा चाहुंदे हन उहनां नूं भी 600 यूनिट का मुफ्त लाभ मिलेगा। पंजाब के दो साबका मंत्रियों खिलाफ जारी होया लुकआउट नोटिस, तीन सेवा मुक्त IAS अधिकारी भी फसे। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली भाजपा गठजोड़ सरकार दौरान हुए सिंचाई घोटाले की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई करके विजिलेंस ने दो साबका मंत्रियों जनमेजा सिंह सेखो और शरणजीत सिंह ढिल्लों तो इलावा सेवा मुक्त IAS अफसर सर्वेश कौंसल, KBS सिद्धू और कहान सिंह पन्नू खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए ने। पंजाब सरकार ने दो दिन पहला विजिलेंस को मामले की जांच की इजाजत दी सी। इस मामले के मुख्य मुलजम ठेकेदार गुरेंद्र सिंह ने हलफनामा दे के कहा सी कि सिंचाई घोटाले में 3 साबका IAS अधिकारी, 2 साबका मंत्री और उन्होंने निजी सकत्र भी शामिल हैं। यह बयान विजिलेंस ब्यूरो वालों 2 अगस्त 2017 में दर्ज किए गए सन। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि घोटाले में नामजद ठेकेदारों को मुड़ पुछगिछ लई बुलाया जाएगा, जिन्हां साबका अफसर और आगुओं के नाम पुछगिछ विच सामने आउणगे उन्हां नूं भी जांच विच शामिल किया जाएगा। हुण 10 मरले तो उपर दे घरां लई सोलर प्लांट लाउणा लाजमी, विभाग वल्लों लिया गया फैसला। शहर में 10 मरले जाने कि 250 गज तो उपर वाले घरां ते सोलर पावर प्लांट लाउणा लाजमी हो गया है। इस संबंधी फैसला लैंदिआं वातावरण विभाग ने कहा कि इसका लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इस तो पहले 500 गज तो वध दे घरां च सोलर पावर प्लांट लाउणा लाजमी सी, ज़्यादातर लोगों ने अपने घरां च बूटे लाए हुए हैं जिसका उन्होंने काफ़ी फायदा हो रहा है। इस कारण हुण 10 मरले तो उपर वाले घरां च सोलर पावर प्लांट लाउणा लाजमी करन दा फैसला किया गया है। इस संबंधी एक प्रशासनिक अधिकारी ने दस्सिया कि 10 मरले तो उपर वाले घरां ते सोलर पावर प्लांट लाउणा लाजमी करन दा फैसला लिया गया है। वड्डी खबर, निजी यूनिवर्सिटी मामले च SIT दा गठन, DGP ने लोगों को की खास अपील। मोहाली की एक निजी यूनिवर्सिटी कुड़ियों की इतराजयोग वीडियो वायरल होने के मामले च विशेष जांच कमेटी का गठन कर दिया गया जी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों से बनाई गई इस कमेटी की अगवाई सीनियर अधिकारी गुरप्रीत कौर दियोल वालों की जाएगी। DGP गौरव यादव का कहना है कि बेहद संजीदा मामला, इसकी उच्च पदरी जांच की जाएगी। इस दे नाल ही प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने सब नूं शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मामले संबंधी पुलिस ने कुड़ी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। DGP ने कहा कि असं इस मामले की डूंघाई तक जावांगे। कैनेडा जाने वाले लई चंगी खबर, हुण ऑनलाइन देख सकोगे वीजा एप्लीकेशन का स्टेटस।
जी हाँ दोस्तों, एक वड्डी खबर है जी। कनेडा जाण दे चाहवण वाले चंगी खबर है। पहला तुहाडे वल्लों लगाई गई फाइल का स्टेटस इमीग्रेशन वाले ही नहीं दसदे सन, जिस नाल बिने कारण इधर उधर भटकना पैंदा सी अते कदे कदे एजट गुमराह करदे रहिंदे सन। हुण एप्लीकेशनां दी पेंडिंग सी लखां विच हो जाण तों बाद कनेडा सरकार ने हर प्रोफाइल लगन वाले समय नूं दसना शुरू कर दिता है। कनेडा सरकार ने सितंबर में अपनी सरकारी वैबसाइट पर इसकी जानकारी दी। वैबसाइट मुताबिक विजिटर वीजे 137 दिन, स्टूडेंट्स वीजे 12 हफ्ते, स्पाउस 23 महीने, वर्क परमिट 29 हफ्ते का समा लग रहा है। मापे और दादा दादी के सुपर वीजा 48 दिन, माता पिता और दादा दादी PR 36 महीने लग रहे हैं। तो PR कार्ड पहली बार जारी होने में 65 दिन लग रहे हैं। इस दे तुसी सारे जो स्टेटस है जी अपने फोन पर चेक कर सकते हो। बहाल होगी पुरानी पेंशन, CM मान ने दिता वड्डा बयान। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली नूं लैके वड्डा बयान दिता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली OPS की वापसी करने बारे विचार कर रही है। इस बारे चीफ सैकटरी इस लागू करने की संभावना लिए अध्ययन करने लिए कहा गया है। पराली साड़ नूं लैके सरकार सख्त किसानी करने वाले वीर जरूर देखन। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट मुताबक पिछले 4 दिनों में झोने की पराली नूं अग लगाउण दीआं 22 घटनावां दर्ज कीतीआं गईआं ने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अते इस दे आले दुआले दे खेतरां विच सालाना प्रदूषण संकट दे मुख्य योगदानां विचों इक सूबे च फसलां दे रहिंद खूंद नूं साड़न नूं मन्निआ जांदा है। PRSC जो कि पंजाब सरकार के अधीन एक खुद मुख्तियार संस्था की एक रिपोर्ट मुताबक पराली साड़न दीआं 22 घटनावां विचों 21 माझा खेत्र विचों दर्ज कीतीआं गईआं ने। अमृतसर विच 16 अते तरन तारण विचों 5, जदों कि मालवा खेतर के मोहाली विचों 1 मामला दर्ज किया गया। मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी अधिकारियों ने दस्सिया है कि अमृतसर जिले में 3 किसानों को जुर्माना किया गया, जदों कि एक होर किसान के जमीनी रिकॉर्ड में रैड एंट्री कर दी गई है। कैप्टन की पार्टी का अज भाजपा में होगा रलेवा, जाणो की है प्रोग्राम। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री और पंजाब लोग कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह अज भाजपा में शामिल होंगे। तो इस दे नाल ही वो अपना पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस का भाजपा में रलेवा करनगे। दस दे कि सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते शाम दिल्ली लई रवाना हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बेटे बेटी अते कुछ साबका विधायकों नाल दिल्ली लई रवाना हुए सन। जानकारी मुताबक कैप्टन अमरिंदर सिंह अज शाम 4:30 बजे भाजपा में शामिल होणगे। इस दे नाल ही कई साबका विधायक भी भाजपा में शामिल होणगे। पंजाब विच मानसून की जल्द होवेगी विदायगी, अगले हफ्ते हुमस भरी गर्मी तो मिलेगा छुटकारा। पंजाब विच जल्द ही मौसम का मिजाज बदलन वाला है, लोगों को गर्मी तो राहत मिलेगी। इस दे नाल ही ठंड भी दस्तक देगी। सूबे च मानसून की रवानगी जल्द ही होने वाली है। मौसम विज्ञानी अनुसार अगले हफ्ते 23 से 24 सितंबर तक पंजाब विचों मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। इस तो बाद सूबे में मानसून का रुख बदल जाएगा। तो मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के डायरैक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अनुसार 3 से 4 दिन राजस्थान नाल लगते पंजाब के जिलों में मानसून वापसी करेगा। इस तो बाद पंजाब के होरना जिले तो मानसून की वापसी हो जाएगी। जिथे मानसून वापसी करेगा उत्थे नमी विच कमी आएगी। डॉक्टर मनमोहन अनुसार सितंबर के आखिरी हफ्ते तो तापमान भी हेठां आ जाएगा, तो गुलाबी ठंड का असर महसूस होगा। विद्यार्थियों का MMS लीक करने वाले नूं मिलेगी सख्त सज़ा, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी पंजाब दे विद्यार्थियों दीआं कथित इतराजयोग वीडियो लीक होने ते प्रतिक्रिया दित्ती है। उन्होंने इस मामले की निंदा करदे कहा कि असीं विद्यार्थियों के नाल हाँ, जो भी दोषी हैं उन्हां नूं सख्त सज़ा दित्ती जाएगी। CM केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने कई विद्यार्थियों के इतराजयोग वीडियो बना के वायरल किए ने। यह बहुत ही घिनौनी शर्मनाक गल है। इस विच शामिल सारे दोषियों नूं सख्त सज़ा दित्ती जाएगी। जिक्र जोग है कि चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी मोहाली के एक गर्ल्स होस्टल में एक विद्यार्थी ने नहाते समय 60 के करीब विद्यार्थियों की वीडियो बना के नौजवान को दी सी। नौजवान ने इस इंटरनेट मीडिया से वायरल कर दिता। मामले का पता लगन से होस्टल च रहने वाली 8 विद्यार्थियों ने खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस गल तो इनकार किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी विद्यार्थी को गिरफ्तार कर लिया है। फ्लू अलर्ट, बच्चों में वध रहा फ्लू का प्रकोप। सरकार वालों LKG तो 8वीं तक दीआं क्लासां बंद।
दोस्तों अज की लास्ट खबर है जी, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी इन्नी दिनी बच्चों च फ्लू के मामले बहुत तेजी नाल फैल रहे हैं। इस दे मद्देनज़र सरकार ने पहले तो पहले तो अठवीं जमात तक के विद्यार्थियों लिए स्कूल बंद करन दा ऐलान किया सी, अते हुण इस विच LKG अते UKG दीआं क्लासां भी जोड़ दित्तीआं गईआं ने। पहले तो अठवीं तक दीआं क्लासां बंद करन तों बाद सरकार ने शनिवार नूं LKG अते UKG क्लासां नूं बंद करन दा ऐलान किया। पांडुचेरी के सेहत विभाग ने बच्चों के फ्लू वर्गे बुखार के इलाज लई सारे हस्पतालों विच विशेष क्लीनिक अते प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोले हन। सेहत विभाग के बुलारे ने दसिया कि बुखार जुकाम अते खंघ तो पीड़ित बच्चों की ज़्यादा गिनती देखते हुए हस्पतालों विच इस दे इलाज की व्यवस्था वधा दिती गई है। तो दोस्तों ये सीगियां अपनियां अज दोपहर दीआं ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां। दोस्तों जे साढ़े द्वारा दी गई जानकारी तुहानू चंगी लगी तो अपनी जानकारी नू वध तो वध लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो दोस्तों असीं मिलदे हां जी अगले दिन दीआं नवीआं ते होर ताज़ा खबरां नाल। हुंदे लई इन्ना ही, धन्नवाद, सति श्री अकाल।